ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। मैं आज आपको पूष मास के कृष्ण पक्ष की शतिला एकादशी की कथा सुना रही हूँ और आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि आप इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर अपना कल्याण करेंगे। आदरणीय भक्तजनों, यह कथा बहुत ही अच्छी है और मनुष्यों के दुख दरिद्र सब को मिटाने वाली है, इसलिए इस कथा को सभी को सुनना चाहिए। पहले हम भगवान को की स्तुति करेंगे, फिर तो शब्द कीर्तन करेंगे, फिर कथा श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहुँ अभय वरदान, देहुँ अभय वरदान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, सब देवियन की जय, सब विप्रन की जय, आनंद कंद भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। बोल साचे दरबार की जय। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से निवेदन किया और उन्होंने कहा, हे वासुदेव, श्री कृष्ण पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह सब मैं जानना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज जी, माघ महीने के कृष्ण पक्ष का नाम शतिला एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एक बड़ी पाप हारिणी कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगा। इस कथा को एक बार मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालव्य को सुनाया। इसकी विधि भी इसी कथा में है। दालव्य ने पुलस्त्य जी से पूछा, महाप्राज्ञ मुने, मनुष्य लोक में जन्म लेकर प्राणी प्रायः पाप कर्मों में लगे रहते हैं। पाप कर्म करने से नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उनके पाप कर्म कैसे छूटें, इसका कोई उपाय है तो आप मुझे अवश्य बताएं। इस पर महात्मा पुलस्त्य जी बोले, दालव्य जी, यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इसका समाधान इंद्र आदि देवताओं के पास भी नहीं है। मनुष्यों को माघ महीने में स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को बस में रखकर काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या और दंभ से बचना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र में मनुष्यों को जो हमारी देसी गाय होती है उसके गोबर में
तिल और कपास मिलाकर उसके उपले बनाने चाहिए। उन उपलों को अच्छी प्रकार से सुखाकर एकादशी के दिन 100 बार हवन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी अच्छी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। पेठा, सीताफल, नारियल, सुपारी आदि भगवान को अर्पित करने चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को जल से भरा एक घड़ा देना चाहिए और तिल से भरा हुआ एक पात्र दान देना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दान में वस्त्र, आभूषण, जूता, छाता आदि जिसके पास जितनी सामर्थ्य हो देना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अर्घ देते हुए कहना चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे इस दान से आप प्रसन्न हो। इस प्रकार से यह व्रत किया जाता है। इस दिन तिलों को 6 प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। पहला तिल का स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल मिला हुआ जल, चौथा तिलों से हवन, 5 में तिल का भोजन और 6 में तिल का दान। इसलिए इस एकादशी को षट तिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान षट तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उसके संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद जी, आप ध्यान पूर्वक सुनो, पुराने समय की बात है। मैं तुमको एक आँखों देखी सच्ची कथा सुनाता हूँ। मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा दान व्रत किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर सूख कर दुबला पुतला और कमजोर हो गया। इतने पर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति देवताओं के प्रति आस्था से नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया और यह स्वर्गलोक यानी वैकुंठ धाम में भी चली जाएगी। परंतु इसने कभी दान तो दिया ही नहीं, इसलिए मैं उसके घर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। जब मैं उसके घर पर पहुंचा, उसके द्वार पर मैंने कहा, माता भिक्षाम देही। ब्राह्मणी अंदर से आई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने कहा, माता मुझे आप कुछ भिक्षा दे दीजिए। तब ब्राह्मणी ने मेरे को एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ले करके वैकुंठ धाम में चला आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया, वो भी वैकुंठ लोक में आ गई। वहां पर आकर उस मिट्टी के प्रभाव से, जो उसने मिट्टी दान दिया था, उसके प्रभाव से उसका एक सुंदर घर बन गया और उसके आंगन में एक आम का वृक्ष हो गया। उसके सिवा उसका घर बाकी वस्तुओं से शून्य ही था। ब्राह्मणी जब वैकुंठ में आई, उसने अपना घर संसाधनों से शून्य देखा तो मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी। घबराकर उसने मुझसे कहा, भगवान मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपकी पूजा की है, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तुएं क्यों नहीं है? तब मैंने उसको कहा, हे ब्राह्मणी, आपने कभी कोई दान नहीं दिया,
इसलिए आपका घर वस्तुओं से शून्य है। अब एक उपाय है, आप उसको करना। जब देवताओं की स्त्रियां आपको मिलने के लिए आएंगी तो आप दरवाजा तभी खोलना। उनसे ये कहना कि आप हमें शक्तिला एकादशी का व्रत और उसकी विधि ये सब बताओ। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देवताओं की स्त्रियां उनसे मिलने के लिए आई, उनके दर्शन करने के लिए आई, ब्राह्मणी ने बोला कि पहले आप हमें शक्तिला एकादशी का व्रत और इसकी विधि बताओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उनमें से एक स्त्री ने उनको शक्तिला एकादशी का व्रत करने की विधि उसका महात्म्य बोल बता दिया और ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा कि उनका घर सबसे अधिक धन धान्य से भरा हुआ है। इस प्रकार शक्तिला एकादशी का व्रत और उसके प्रभाव से सबका कल्याण हो जाता है। जो भी इस व्रत को करते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करना सभी के लिए अनिवार्य है और सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे सभी धर्म ग्रंथों में ज्ञानी ऋषि महात्माओं ने कहा है। जो भी एकादशी का व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आदरणीय भक्तजनों, हम सबको एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए और इसका व्रत भी करना चाहिए। बोल साँचे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।